इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज धमानिया आज आपके लिए लाया हूँ RV3, और इसमें हम अल्टरनेटर के और उसके सेल्फ के कनेक्शन करके देखेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि जी अल्टरनेटर के सेल्फ पे कनेक्शन कैसे होते हैं। तो इसमें जनरेटर में हमने कनेक्शन करे हैं, और जिस तरीके से स्लीव ये फ्लेक्सिबल पाइप लगा के कनेक्शन ढक जाते हैं, इसी तरीके से आप पहचान नहीं पाते कि किस तरीके से कनेक्शन होते हैं। तो हम इसको ओपन भी दिखाएंगे और इसमें आपको जनरेटर को स्टार्ट करके चला के दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कनेक्शन होते हैं और किस चीज़ का क्या काम होता है। आपको पहले सबसे पहले यही जानना है कि किस तरीके से कौन सा क्या काम करता है, बस आपको कनेक्शन करने अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस मेन चीज़ सीखनी चाहिए आपको, और आप वीडियो में लाइक ज़्यादा करें, सब्सक्राइब ज़्यादा करें। मैं नई नई तरह की वीडियो ला रहा हूँ, पर आप ज़्यादा लाइक नहीं करते हो और ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो चैनल था वो प्रैक्टिकल के लिए डिमांड आ रही थी, तो अब मैं प्रैक्टिकल गिर रहा हूँ, तो हमारे दोस्त आजकल देख नहीं रहे ज़्यादा, तो उसी वजह से थोड़ा सा निराशा रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर करें, जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज मिले, और हम प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पहले डायग्राम देते थे तो डायग्राम आप ज़्यादा देखते थे, अब प्रैक्टिकल वीडियो ज़्यादा नहीं देख रहे, तो अब हमें लग रहा कहीं कि डायग्राम सही था, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि प्रैक्टिकल दिखाओ, पर फिर डायग्राम भी व्यूज़ ज़्यादा आ रहे थे, इसमें कम आ रहे हैं, तो थोड़ा ये लगता है। तो अब हम इसमें आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसके कनेक्शन हो रहे हैं, आओ देखें। यहाँ पे काफ़ी जनरेटर हैं जिनके सेल्फ के अल्टरनेटर कनेक्शन करने हैं, और इसमें मैंने सेल्फ की भी वीडियो दिखाई थी रिपेयरिंग की, और अल्टरनेटर की भी रिपेयरिंग की वीडियो मैं दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दो तार आप ले सकते हैं, जो प्लस वाला है इस बोल्ट पे लगता है, सब में एक बोल्ट होता है, ये देख सकते हैं आप, तो देखें ये, और इसके बगल में एक पट्टी होती है, वो इंडिकेशन उसके लिए होती है, बल्ब के लिए। ये दो तार इसमें अल्टरनेटर में से जाते हैं, एक जाता है हमारा प्लस जो बैटरी पे लगता है सीधा जाके, ये देखें कुछ इस तरीके से, जो उनसे बोल्ट वाला होता है प्लस होता है, सीधा बैटरी पे लगता है। आप चाहे तो जो हमारा सेल्फ होता है सेल्फ के ऊपर ही प्लस आता है मोटी लीड, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, पर आप जो आपको स्विच लगाना है तो आप इसे तार को नीचे ले जाएँ और नीचे ही लगाएँ तो बढ़िया रहेगा। और एक दूसरा वाला जाता है इंडिकेशन, आप देख सकते हैं ऊपर इंडिकेशन जो बल्ब में जाता है, एक तार सीधा बल्ब में जाएगा यहाँ से और एक तार सीधा स्विच में जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो तार जो हमारे अल्टरनेटर के हैं, एक स्विच में, एक इंडिकेशन में, एक स्विच में, इस तरीके से जाता है जो प्लस में लगता है, ठीक है जी। तो आपको यही समझना है, किसी किसी में दो या तीन होते हैं, तो आप कन्फ्यूजन ना होए, वो उसके लिए लगाते हैं कि प्लस के दो इंडिकेशन के दे दिए, तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि जब पैनल में लगे रहते हैं तो उसमें थोड़ा सेंसर का फ़र्क होता है, और चीज़ों में लगाना होता है, तो उस वजह से उसको देते हैं अल्टरनेटर में। तो देखिए, हमने सेल्फ के तार निकाल लिए दो, एक स्टार्ट वाला और एक हमारा प्लस वाला, ये दो तार निकाल लिए। आप देखें, एक काला और काला वाला हमने स्टार्टिंग में लगाया, जो दोनों तार शॉर्ट करके निकालते हैं, और जो अल्टरनेटर के दो तार निकाले हैं, एक इंडिकेशन का निकाला है और एक प्लस का निकाला है, तो आप देख सकते हैं। और एक काला तार में एक एक्स्ट्रा गिर दे रहा हूँ बॉडी के लिए, कई बार बॉडी इस तरफ से काम नहीं करती, इसमें अल्टरनेटर में हम लगा के डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो ये हमारा जो कई बार हमारे जो मीटर होते हैं RPM मीटर, जो हॉर्स मीटर लगे हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें हॉर्स मीटर लगे हुए हैं, और
चार्जिंग मीटर लगा हुआ है, ऑयल प्रेशर, तो इनमें बल्ब जलाने के लिए या इनमें शॉर्टिंग नहीं होती आपस में, तो इसके लिए माइनस का तार अलग से गिरना पड़ रहा है क्योंकि उसमें रबड़ लगी रहती है तो काम नहीं करता, तो इसलिए हम अलग से गिर देते हैं। आप कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा आप डिटेल में समझे, तो ये देखें ये स्विच है, स्विच में हमारे 3 कनेक्शन होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, 4 में 2 तो आपस में शॉर्ट रहते हैं जिसमें कि हम प्लस के लगाते हैं, और जो 2 होते हैं एक हमारे इंडिकेशन के लिए होता है, जो बल्ब जलता है स्विच घुमाने पे, आपने देखा होगा क्योंकि वो जो स्विच घुमाते हैं तो वो हमारा प्लस से स्विच तक वो तार जाएगा, एक तार स्विच पे से जाता है हमारा जिससे कि बल्ब जलता है, ठीक है ना, और एक तार जो ब्लैक यहाँ से, और जो ब्लैक ये देखें सीधा हमारा यहाँ से आके ये स्विच पे, ये वाला तार ये देखें, ये वाला तार हमारा स्विच पर आएगा जिससे कि हमारा प्लस वाला और स्विच का जो तार है वो चाबी लास्ट में घुमाने में, ये ध्यान रखना ये पॉइंट हमें लास्ट में लाना है, जो हम मीटर से चेक कर सकते हो, जब चाबी को घुमाओगे तो मीटर लास्ट में आना चाहिए और ये शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने पर हमारा सेल्फ काम करेगा, ठीक है ना। तो ये देखें 2 तार इसके हमारे अल्टरनेटर के हैं, एक तार ये भी हमारा इस पर स्विच पर आ गया है, एक हमारा सेल्फ का स्विच पर आ गया है और एक अल्टरनेटर का स्विच पर आ गया है, और एक जोन सा हम जो ऑन करेंगे चाबी, एक यहाँ से हमारा ये देखें यहाँ से सीधा हमारा बल्ब पे आ गया है, देखें इंडिकेशन जो हमने लाल वाला खींचा है, क्योंकि लाल इसमें पॉइंट मिला हमें, लाल प्लस मिल गया हमें बल्ब में, ठीक है ना। तो अब हमारा स्विच जब हम चाबी ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करा तो ये तेल लीक हो रहा है इसमें से, अब हम इसमें थोड़ा कुछ लगा के फिर स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से आप कनेक्शन देख सकते हैं, और मैं और वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा आपको किस तरीके से कनेक्शन समझ में नहीं आ रहे इसमें, तो इस तरीके से हम फ्लेक्स वेल चढ़ा दिया, और आप किसी को पता ही नहीं चलता किस तरीके से कनेक्शन हुए, आप देखें यहाँ भी समझ में नहीं पाओगे। ये देखिए अब हमने इसका स्विच ऑन करा तो हमारी लाइट जल गई है, और जो हम लास्ट में करेंगे तो हमारा सेल्फ लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे कौन कौन से मीटर है, करंट चार्जिंग का, ये हमारा जब चलेगा चार्जिंग दिखाएगा चार्ज हो रहा नहीं हो रहा, ये हॉर्स मीटर है, ऑयल प्रेशर मीटर है, तो तीनों के हमने इसमें कनेक्शन कर दिए हैं, और कनेक्शन करने के अब हमारा ये पूरा चलेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें ना कुछ समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हमसे पूछ सकते हैं, तो इसमें आपको पूरे सेल्फ के कनेक्शन आ गए होंगे, किस तरीके से सेल्फ के कनेक्शन करते हैं और अल्टरनेटर कनेक्शन करते हैं पैनल के, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, तो आपको ना समझ में आए अभी मेरे पे 2-3 वीडियो हो रहे हैं, मैं उसमें वो चीज़ समझा दूँगा और ये कनेक्शन आपको हो सकते दिखाऊंगा। देखिए हमारा बल्ब बन चुका है, अल्टरनेटर हमारा काम कर रहा है बढ़िया, तो हमारा बैटरी चार्ज हो रही है, तो देखिए कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि अभी लगा है, हमने बोतल लगा दीजिए, रिपेयरिंग कर ली है, अब हमने पहले कनेक्शन करने के लिए पहले कनेक्शन कर दिए हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, वीडियो देखें, धन्यवाद।